हेलो गाइस, मैं हूँ रुबीना। नेता का किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दाल गोश्त बनाना सिखाऊंगी, जिसे दालचा बोलते हैं। ये बहुत टेस्टी होता है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी तो मेरे चैनल नेता का किचन को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैंने लिया है 250 ग्राम मटन का गोश्त, चने की दाल एक कटोरी, मैंने लिया है एक कटोरी या आधा किलो लौकी। दाल गोश्त में ये पड़ेगी। मटन का गोश्त है एक कटोरी, चने की दाल है, लौकी है, एक बड़ी प्याज है, गरम मसाले हैं, लहसुन है दो पोटी, आधे इंच अदरक है, गरम मसाले हैं सारे, तेज़पत्ता है, सूखे मसाले में हल्दी, मिर्चा, धनिया, हरा धनिया, प्याज, टमाटर, इतने सामान से बनेगा दालचा। तो चलिए पहले मैं मसाले को पीस लेती हूँ, फिर मैं दाल गोश्त के लिए पहले मैं मसाला पीस लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ दाल गोश्त पैसे से पहले गोश्त पकेगा उसमें क्या पड़ेगा वो मैं भी आपको बताती हूँ। पहले मसाला पीस लूँ फिर मिलती हूँ। मैंने कुकर में डाला है मटन और जो मैंने मसाले पीसे थे वो प्याज, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, दो तेज पत्ते, एक चम्मच मिर्च और इसमें एक चम्मच तेल डाल के इसे चढ़ा देगी। इसको कम से कम 4 सीटी हो जाएगी तो ये गल जाएगा। मैं इसमें आधा गिलास पानी, एक चम्मच तेल डाल के चढ़ा दूंगी, नमक स्वाद अनुसार। ये देखिए मेरे गोश्त अच्छे से गल गया। अब मैं इसे भूंज लूंगी, फिर मैं इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। ये देखिए मेरे गोश्त अच्छे से भूंज गए, मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। मैंने इस कुकर में डाल दिया है चने की दाल, लौकी, कटे हुए टमाटर, हल्दी पाउडर, मैंने गोश्त में भी हल्दी डालना है, आप आधा चम्मच हल्दी डालिए, नमक स्वाद अनुसार, गोश्त में भी डाला है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी एक ग्लास और इसे 2 सीटी लगा दूंगी। ये देखिए मेरी दाल और लौकी अच्छे से गल गई है। अब मैं इसे उसी गोश्त में निकाल लूंगी। ये देखिए मैंने जिस बर्तन में गोश्त निकाला था उसी में मैं दाल निकाल ली हूँ। अब मैं इसे 10 मिनट पकाऊंगी। ये देखिए अब मैं इसमें छौंका लगाऊंगी, इसके लिए मैंने एक पैन में तेल डाला। अब मैं ये प्याज ऐड करूंगी इसमें, इसलिए हरी मिर्च भी ऐड करूंगी और इसे अच्छे से फ्राई होने दूंगी। तो मैं भूली, ये देखिए मेरी प्याज ब्राउन हो गई। अब मैं इसे दालचे में डाल दूंगी। मैं इसमें ढेर सारे पुदीना ऐड करूंगी। ये देखिए कितना अच्छा दाल गोश्त खिचड़ा बनके तैयार हो गई। अगर मेरी डिश आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।